तो दोस्तों यहाँ पे यूपी बोर्ड क्लास 10th और क्लास 12 रिजल्ट को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यूपी बोर्ड रिजल्ट 2020 यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन जो है दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। 25 अप्रैल से शुरू हो गए हैं तैयारी। अब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों 25 अप्रैल के बाद क्या होने वाला है और रिजल्ट आखिर कब आएंगे, पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप भी यूपी बोर्ड के क्लास 10th और क्लास 12 के छात्र हैं दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी तरह का नया वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि यहाँ पे यूपी बोर्ड के द्वारा जितने भी पल पल का न्यूज निकल का है दोस्तों सबसे पहले हम लोग देते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह का नया वीडियो लेकर आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप भी रिजल्ट देखना चाहते हैं दोस्तों, एक क्लिक के माध्यम से जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आएगा आपको नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा कि रिजल्ट आ चुका है और चेक कीजिए, ठीक है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए मैं आप लोगों को खुशखबरी बता दूं दोस्तों, बहुत सारे छात्र इंतजार कर रहे हैं आखिर कब होंगे कॉपियों का मूल्यांकन, आखिर कब आएंगे आप सभी का रिजल्ट। बेसर्विस से इंतजार कर रहे हैं सभी छात्र अपने रिजल्ट का। जैसा कि आपको पता है एग्जाम खत्म हो चुका है दोस्तों और लॉकडाउन अभी चालू है। देख सकते हैं यूपी बोर्ड रिजल्ट 2020 डेट, यूपी बोर्ड के 10वीं 12वीं की कॉपियों का मूल्यांकन मार्च के महीने से शुरू हो गया था जी दोस्तों, परंतु कोरोना महामारी की वजह से यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य रोक दिया गया था। जैसे फिर इसे शुरू किया जा रहा है, मूल्यांकन के समय परीक्षकों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, साथ ही सैनिटाइजर का भी प्रयोग करना होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, यहां पे 25 अप्रैल से जो स्टार्ट किया है कॉपी का मूल्यांकन करना, मैं आप लोगों को बता दूं ये जल्द से जल्द आप लोग का कॉपी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा चेक, ठीक है, क्योंकि बहुत तेज़ी से होगा। क्योंकि आप लोग को पता है 24 अप्रैल रिजल्ट की तिथि था, लेकिन यहाँ पर 25 अप्रैल से एक महीना टोटल लेट हो गया है दोस्तों, ठीक है। 25 अप्रैल से यहाँ पे कॉपी का मूल्यांकन ही होने जा रहा है। तो मैं आप लोग को बता दूँ, अगर एक महीना इसमें जोड़ दे तो समझिए आप लोग को मई के लास्ट वीक में रिजल्ट आने की संभावना है, या फिर जून के फर्स्ट वीक में, ठीक है। अगर किसी भी तरह का अगर दिक्कत नहीं आता है तो समझिए आप लोगों को कि मई के लास्ट वीक में ही रिजल्ट आ जाएंगे। अगर किसी तरह का यहाँ पर अगर कॉपी का मूल्यांकन रुकता है फिर से दोस्तों, तो ये जून के मंथ में भी जा सकता है रिजल्ट। तो मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, यहाँ पे 25 अप्रैल से जहाँ दोस्तों 25 अप्रैल से यूपी बोर्ड के जितने भी क्लास 10th और क्लास 12 के यहाँ पे कॉपी का मूल्यांकन होना है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और रिजल्ट की तिथि की अगर बात करें तो मई के लास्ट वीक में या फिर जून के फर्स्ट वीक में आने की संभावना। यहाँ पर यूपी बोर्ड के जो डिप्टी सी एम है डॉक्टर दिनेश शर्मा, उन्होंने यहाँ पर सारे जानकारी अपडेट करके रखा है, ठीक है। तो इस चैनल के मदद से आप लोग को सारे जानकारी दिया जाता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों किसी और न्यूज़ को लेकर।